हाय गाइस, वेलकम टू रियल कार इंपैक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम सब काफ़ी दिनों से इस कार का वेट कर रहे थे एंड फाइनली टोयोटा ने इसे लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन इनोवा हाई क्रॉस की। तो अगर आप भी इस कार का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जानते हैं इस कार के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये कार आपको दो पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। गाइस, अगर बात करें नॉर्मल इंजन के मैक्सिमम पावर की, तो इसमें आपको 174 पीएस का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है और वहीं आपको 205 एनएम का टॉर्क मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल इंजन से, तो हमें इसमें ज़्यादा पावर मिलती है बट इसका टॉर्क इनोवा क्रिस्टा से थोड़ा सा कम है। वहीं बात करें इसके हाइब्रिड मॉडल की, तो हाईक्रॉस हाइब्रिड में भी आपको सेम 2.0 का पेट्रोल इंजन मिलता है बट ये आपको बैटरी सेटअप के साथ मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर है 186 पीएस एंड टॉर्क 206 एनएम, जो कंपेयर करें इसके पेट्रोल वर्जन से तो स्लाइटली ज़्यादा है। दोनों ही मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, मतलब इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी आपको हाइब्रिड मॉडल में 21 kmpl की माइलेज क्लेम कर रही है, जो इसकी कंपटीटर्स कार्स में सबसे ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 4755 mm, वहीं इसकी विड्थ है 1850 mm। इसमें आपको 1790 की हाइट मिलती है। इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें 2850 mm का व्हील बेस मिलता है, जो इसकी कंपटीटर्स कार्स में सबसे ज़्यादा है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस कार में आपको कौन कौन से वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। GSLF वेरिएंट, जो इसका बेस वेरिएंट है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा GX वेरिएंट, देन आपको देखने को मिलेगा VX वेरिएंट, देन ZX वेरिएंट एंड लास्ट ZX ऑप्शनल वेरिएंट। हाइब्रिड मॉडल आपको VX वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। गाइस, कंपनी ने अभी इसके प्राइस अनाउंस नहीं करे हैं बट वी आर एक्सपेक्टिंग इसके प्राइस 20 lakhs ऑनवर्ड ही स्टार्ट होंगे। बात करते हैं इसकी डिज़ाइंस की। डिज़ाइन वाइज ये कार काफ़ी अपीलिंग लग रही है। इसका फ्रंट ग्रिल पहले से काफ़ी बिगर लग रहा है, हेडलैम्प भी पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। साइड लुक से बात करें तो ये कार अभी भी आपको काफ़ी हद तक पुरानी इनोवा की फील देती है। बैक प्रोफाइल से भी ये कार आपको काफ़ी हद तक पुरानी इनोवा की याद दिलाएगी। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको 300 liter का बूट स्पेस मिलता है। जो इसकी बैक सीट है वो कम्प्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा लगेज रखने में काफ़ी कन्वीनियंट होती है। इनोवा हाईक्रॉस की रियर सीट्स आर नाउ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड कार काफ़ी स्पेशियस है। थर्ड रो में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है एंड नाउ इनोवा हाईक्रॉस आपको अब वो एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड फीचर मिल दे रही है जो पहले आपको इस कार में नहीं मिल रहे थे। नाउ इन इनोवा हाईक्रॉस यू विल गेट कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर। नाउ इट हैज़ न्यू स्टेयरिंग व्हील विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर्स and now we have a ADAS feature as well in this car. Now you will get a huge touchscreen infotainment system with so many features. अब आपको इस कार में गियर लीवर की पोजीशन भी थोड़ी चेंज दिखेगी। ओवरऑल कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और हम बोल सकते हैं इनोवा को जिस अपग्रेड की ज़रूरत थी वो इसको मिल गया है। एंड नाउ वी हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर हम इस सेगमेंट में कार सर्च कर रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक सी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।